गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या, कोरोना वायरस को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना है। देखिए, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी कोरोना वायरस हुआ है, सो क्या उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिए थे? उनके तो और भी ज्यादा सिक्योरिटीज है, फिर भी उन्हें अगर ये वायरस हुआ है तो हम सब तो नॉर्मल पीपल है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशंस ही काफी नहीं है, हम लोगों को और भी कुछ ज्यादा करना है ताकि इस वायरस से हम लोग बच सके। तो वही सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी वो सब मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है, जो WHO ने रिकमेंड किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी रिकमेंड किया है वही को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में 3 सेल्स है, 3 टाइप के सेल्स होते हैं, एक है RBC, दूसरा WBC और तीसरा प्लेटलेट्स। नाउ WBC जो है वो मेनली हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ा होता है। तो एक्चुअली इम्यून सिस्टम क्या है? जब भी हमें कोई वायरस अटैक करता है हमारे बॉडी सिस्टम को, तभी वो जो WBCs है वो जैसे पुलिस फोर्स की तरह काम करते हैं, वो उस वायरस के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारे बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर सके। अगर हमारे बॉडी में ज्यादा WBC होंगे उसका मतलब ज्यादा इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, तो वो वायरस वो डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर हमारे बॉडी में WBC कम मात्रा में है तो इम्यून सिस्टम लो होने की वजह से वो जो वायरस है उसका जो इफेक्ट है वो हमारे बॉडी में शो करेगा, दैट्स व्हाई हमें वो डिजीज हो जाएगी। आप सबको पता है कि कोरोना वायरस का कोई इलाज अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है, बट पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं। तो पेशेंट्स कैसे रिकवर हो रहे हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? जो मैंने रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ा है, डॉक्टर्स विटामिन सी जो टैबलेट्स है वो ज्यादातर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट्स ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि विटामिन सी हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में WBC काउंट को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो विटामिन सी हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसे डाइट के थ्रू अपने बॉडी को दे सकते हैं। फॉरेन से जो लोग वापस आ रहे हैं उन लोगों को 14 डेज के लिए आइसोलेटेड किया जाता है, क्योंकि ये जो वायरस है ये एक RNA वायरस है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 डेज, मतलब कि 14 डेज के अंदर इसका जो इफेक्ट है, जो सिम्टम्स है वो आपके बॉडी में भी ये शो करेगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो ये लेट 14 डेज, मतलब 13 या 12 डेज, मतलब ज्यादा देर के बाद सिम्टम शो करेगा, या फिर आपके बॉडी में वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम लो है तो ये 1-2 दिन में ही अपना सिम्टम्स जो है वो शो करेगा। तो अभी हमको ये ध्यान में देना है कि प्रिकॉशंस लेने के साथ साथ हम अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कैसे करें। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिला है वो मैं सम अप करके इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। विटामिन सी के जो सोर्सेस है वो है ब्रोकली, बनाना, टोमेटो, कैप्सिकम, कैबेज, मौसम्बी, सिट्रस फ्रूट्स, जो भी सिट्रस फ्रूट्स है जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस, मौसम्बी, ये सब, पपीता और सेब। गार्लिक में भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर आप वीगन नहीं है, आपको अगर मिल्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा मिल्क, गर्म जो दूध है उसको कंज्यूम करें। एंड उसके साथ साथ मीट, फिश, ये सब प्रोटीन्स भी आप इनटेक करना स्टार्ट कर दें। एंड अगर आप वेजिटेरियन है तो सोया प्रोटीन्स एंड जो भी अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स है जैसे दाल, आपको क्या करना है, एक ही तरह के दाल नहीं कंज्यूम करना है, थोड़ा सा मसूर दाल, थोड़ा सा मूंग दाल, थोड़ा सा मटर दाल, ऐसे करके ऑल्टरनेट डेज पर मिक्स करते करते आप दाल को कंज्यूम करें। इसमें एक और चीज सजेस्ट करूंगी कि आप घर पर एक्सरसाइज थोड़ा सा 15 मिनट, 10 मिनट, थोड़ा सा फ्री हैंड एक्सरसाइज जरूर करें, उससे भी आपके जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, बॉडी हेल्दी होता है। तो इट्स बेटर कि आप अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए, घर पर बैठे हैं फ्रूट्स खाइए, एक्सरसाइज कीजिए एंड मेक योर इम्यून सिस्टम स्ट्रांगर। तो ये आज का वीडियो यहां तक ही था, होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इस वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि सबको पता चले कि सिर्फ प्रिकॉशंस ही काफी नहीं है, घर पर बैठना ही काफी नहीं है, आपको आपके इम्यून हेल्थ को भी स्ट्रॉन्गर बनाना है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। बाय बाय।